और अब ये जो विश्वास श्री लागू किया जाएगा उसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इसके मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 5 अरब 64 करोड़ 2 लाख रुपया देगी। और विश्वान की नोडल एजेंसी क्या है बिहार में, जिसके माध्यम से ये वर्क करते हैं, बिल्ट्रॉन के माध्यम से, ठीक है। विश्वान की नोडल एजेंसी बिहार में बिल्ट्रॉन है। और अभी हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जो 37 नेशनल गेम का आयोजन हो रहा है गोवा में, उसमें बिहार लगातार पदक जीत रहा है। अभी तक कुल मतलब कल तक कुल बिहार 7 पदक जीत गया था। और एक और डाटा इसमें है कि जब 36वीं नेशनल गेम हुआ था तो बिहार मात्र 2 पदक लिया था, तो ये उस 36वीं नेशनल गेम से कहीं आगे चला गया है। और अभी टोटल 7 पदक हो गए हैं। इसमें बताया गया है कि कल जो है मुजफ्फरपुर के ये जो है ईशा मित्रा और गोपालगंज के आशीष कुमार, इन्होंने वुशु में कांस्य पदक जीता है। फिर बालक वर्ग की ताइक्वांडो स्पर्धा में पटना के प्रकाश ने कांस्य पदक जीता है। तो ये ओवरऑल जो होंगे चैंपियन वो तो होंगे, लेकिन बिहार के जो भी प्लेयर जीत रहे हैं यहाँ पे, वो कौन सा पदक जीत रहे हैं, उनका नाम क्या है, उनका संबंध किस जिले से है, ये याद रखना होगा आपको, क्योंकि ये पूछेंगे आगे चल के एग्जाम में, ठीक है। ब्रिटेन में एक आईआई पर जो है शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा था, ठीक है। तो उसमें जो है दुनिया के पहले एआई सुरक्षा संस्थान का निर्माण किया गया है। एआई सुरक्षा संस्थान जो है G7 देशों के भीतर बनने वाला पहला टास्क फोर्स होगा। अब ये जी समूह का स्थापना कब हुआ था ये बताइए, और इसमें कितने सदस्य होते हैं। इसका स्थापना 1975 में हुआ था और इसके सदस्य देश के रूप में कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान है, ठीक है। तो ये तो याद होना चाहिए था। अभी हाल में ही तो इंडिया जो है पार्टिसिपेट किया था G7 में, इसको तो कम से कम याद रखते हैं आप लोग। और एक जो हमारा यहाँ पे आयोजन हो रहा था वर्ल्ड फूड इंडिया का, ठीक है, तो उसमें अपने प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने बताया है कि पिछले 9 वर्षों में भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जो है काफी ग्रो कर रहा है और इसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए का FDI प्राप्त हुआ है। और इसी दौरान जो पिछला 9 वर्ष है उसमें जो अपना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है उसका जो निर्यात है 150% की वृद्धि की है। तो ये पॉइंट मेन में काफी इफेक्टिव होगा जब आप वहाँ पे भुखमरी या कुपोषण या खाद्य मतलब कुछ भी इस तरह का जो होगा उससे अगर वहाँ पे डील कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या प्रयास कर रही है, तो उसके प्रभाव को यहाँ पे इस पॉइंट से दिखाया जा सकता है कि इनके प्रयास से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ग्रो कर रही है और किस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें, ठीक है। जो वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन हो रहा था उसका एक उद्देश्य था, उसका उद्देश्य है कि भारत को दुनिया के खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना। तो ये पूछ सकता है कि वर्ल्ड फूड इंडिया सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो भारत को दुनिया के सामने खाद्य टोकरी के रूप में प्रस्तुत करना है, ठीक है। और इसी सम्मेलन में पीएम द्वारा जो है बाजरा को सुपर फूड बकेट बताया गया है। तो ये भी हो सकता है पूछे कि सुपर फूड बकेट किसको कहा जाता है, तो ये है बाजरा, ठीक है। एक और हमारे प्लेयर है भोजपुर के मोनू कुमार यादव, इन्होंने ढाका में आयोजित होने वाले द्वितीय साउथ एशियन सैम्बो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ये जो है इसके फाइनल में 79 kg भार वर्ग में बांग्लादेश के पहलवान से हार गए और इनको रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, मोनू कुमार यादव है ये, भोजपुर से डिविजन है इनका, ठीक है। और गुजरात के एक प्लेयर हैं, रनर हैं ये, सुनील जोलिया जीना भाई, ये जो अभी जो राष्ट्रीय खेल जो आयोजित हो रहा है उसमें पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेस स्पर्धा में रिकॉर्ड बनाते हुए इसका स्वर्ण पदक जीता है। ये जो स्टीपल चेस स्पर्धा है इसमें इन्होंने 8:36.15 में दौड़ पूरी कर ली और ऐसा करने वाले अभी राष्ट्रीय स्तर के सबसे मतलब कम टाइम लेकर ये स्पर्धा पूरा करने वाले ये प्लेयर बन गए हैं। इनका नाम है सुनील जोलिया जीना भाई, तो जीना भाई याद रखेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे बहुत सारा आज के पॉइंट पेपर पॉइंट है पॉल्यूशन से रिलेटेड, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, जो कि आपका GS पेपर 2 में काफी मतलब काम देगा ये पॉइंट सारा। जो अपना मौसम विश्व मौसम विज्ञान संगठन है यानी WMO, उसकी ओर से एक वार्षिक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसका नाम है स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट।
इसमें इस रिपोर्ट को तैयार करने में विश्व की 30 संस्थाओं ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो इसमें जो कहा गया है इस रिपोर्ट में, इसमें बताया गया है कि अत्यधिक गर्मी के कारण दुनिया भर में मृत्यु दर जो है वर्तमान मृत्यु दर की तुलना में 30 गुना अधिक हो सकती है, ठीक है। तो इसका, और उसके बाद बताया गया कि 2000 वर्ष 2000 से 2019 के बीच गर्मी के कारण हर वर्ष दुनिया भर में 4.89 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें एशिया में सबसे ज्यादा 45% और यूरोप में 36% लोगों की मौत हुई है। इस पॉइंट को जब आप जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन डील करेंगे तो वहां इसको दे सकते हैं, या वायु प्रदूषण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आप डील कर रहे हैं तो वहां भी दे सकते हैं, ठीक है। इसी में आगे बताया गया है कि यूरोपीय देश जो है वो 2022 में हीट वेव के कारण वहां पे लगभग 60,000 लोगों की मौत हुई है, यूरोपीय कंट्री में केवल 2022 में, ठीक है। और हीट वेव से जो है एयर पॉल्यूशन भी बढ़ता है, ये भी बहुत बड़ा कारण है मृत्यु का। इससे लगभग हर साल, मतलब वायु पॉल्यूशन से हर साल लगभग 70 लाख लोगों की मृत्यु होती है, ठीक है। और इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि जो अभी हमारा जो चल रहा है जलवायु परिवर्तन का जो वे है, अगर वही गति कायम रहा तो 2030 तक प्रति वर्ष 560 आपदाएं आने की संभावना है, ठीक है, जो मेजर होंगी और उसमें बहुत सारी मृत्यु होंगी। इसी रिपोर्ट में एक और डाटा दिया गया है कि 2003 में पश्चिम यूरोप में लू के कारण 70,000 लोगों की मृत्यु हुई। इसी तरह का जो सिनारियो है आगे कई वर्षों में अलग अलग कंट्री में बना, जैसे 2010 में रूस में बना था, 2015 में भारत में लू के कारण कई हजार लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, 2019-20 में ऑस्ट्रेलिया में, 2021 में अमेरिका में, तथा 2022 में चीन में लू के कारण बड़ी संख्या में मौतें हुई। तो ये डाटा आप जलवायु परिवर्तन वाले में दे सकते हैं, ठीक है। और इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन से खाद्य असुरक्षा का खतरा भी बढ़ रहा है। ये पॉइंट तो अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि फूड सिक्योरिटी में ये पॉइंट जाएगा जब मेन्स आप लिखेंगे। तो इसमें बताया गया है कि 2012 से 21 में, ठीक है, 2012 से 21 में 1951-60 की तुलना में 29% अधिक वैश्विक भूमि क्षेत्र प्रति वर्ष कम से कम एक महीने के लिए सूखा से प्रभावित है। यानी कि जितना वैश्विक भूमि 1951 से 60 के बीच में सूखा से प्रभावित था कम से कम एक मंथ के लिए, उसका लगभग 29% अधिक भूमि 2012 से 21 के बीच में ये प्रभावित हुआ है। तो फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है और अपना भूमि भी जो है पहले की अपेक्षा ज्यादा सूखा रह रहा है, सूखा पड़ रहा है, तो उत्पादन कम हो रहा है, तो फूड सिक्योरिटी होगा कहाँ से, ठीक है। तो ये पॉइंट दिया जा सकता है वहां पे, ठीक है। इसी में बताया गया है कि दो 103 देशों में सूखे और हीट वेव के प्रभाव के कारण 1981 से 2010 की तुलना में 2020 में 9.8 करोड़ लोग जो है गंभीर खाद्य असुरक्षा में घिरे हैं। तो इससे आप जब वहां पे फूड सिक्योरिटी का गंभीरता दिखाएंगे तो ये दोनों पॉइंट को दीजिएगा, क्योंकि एकदम करेंट डाटा है। और साथ में इसके ये जब डाटा आप देंगे वहां पे, तो यहाँ पे वो लिखेंगे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के वार्षिक रिपोर्ट स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट के अनुसार, फिर ये दोनों डाटा देंगे, तो काफी इफेक्टिव होगा और मार्क्स को काफी बढ़ाएगा ये, ठीक है। अच्छा बताइए, ये जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी, कोई ट्राई कीजिए। चलिए, इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी, इसीलिए 23 मार्च को प्रति वर्ष विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं पेटेरी तालसा हैं, जो कि फिनलैंड के हैं, और इसके महासचिव गेरहार्ड एड्रियान हैं, जो जर्मनी के हैं, और भारत इस संस्थान के जो सदस्य है वो 1950 से ही है। यानी कि इसके संस्थापना वर्ष से ही भारत इसका सदस्य लगातार बना हुआ है। वर्तमान में इसके जो सदस्यों की संख्या है 193 है, ठीक है। एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है, उसमें बताया गया है कि 2050 तक पूरे वर्ल्ड में जो है जूनेटिक संक्रमण के मामले में 4 गुना और इस संक्रमण से होने वाली मौत में 12 गुना की बढ़ोतरी होगी, ठीक है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है जलवायु परिवर्तन, भूमि उपयोग में बदलाव, और साथ में जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि की वजह से
लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, जानवर से जो फैलने वाली रोग है वो बढ़ रही है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग ने कोरोना को झेला है, ठीक है। ये जूनोटिक संक्रमण होता क्या है? ये है जानवरों से इंसान में होने वाली संक्रमण को ही जूनोटिक संक्रमण बोला जाता है, ठीक है। ये जो जो अध्ययन है उसके जो शोधकर्ता थे, तो उन्होंने इस पर चार वायरस समूहों पर फोकस किया है। वो वायरस हैं फिलो वायरस, सार्स कोरोना वायरस 1, निपाह वायरस और माचुओ वायरस। अब इसमें हो सकता है, देखिए पीटी का फैक्ट है ये, काफी इसमें पूछ सकता है कि फिलो वायरस के अंतर्गत क्या क्या आता है। इसके अंतर्गत दो वायरस हैं, इबोला और मारवर्ग। तो ये पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये जो वायरस का समूह का नाम दिया हुआ है, इसको अच्छे से आप लोग रखिएगा, खासकर फिलो वायरस के बारे में। और इसमें और एक चीज बताया गया है कि जीनोटिक संक्रमण से जो सर्वाधिक मौतें हो रही है वो अफ्रीकन रीजन में हो रही है, ठीक है। अब एक अपने की बृहस्पति की जो सबसे बड़ी जो उपग्रह है गैनीमिड, वहां पर नासा के वैज्ञानिकों द्वारा पता लगाया गया है कि खनिज और कार्बनिक यौगिक का भंडार है, ठीक है। और ये जो डाटा आई है तो वो जूनो मिशन, देखिए अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ है तो उसमें पूछा था कि जूनो मिशन का संबंध किससे है, ठीक है, वो कोड वर्ड में दिए हुए थे। तो ये सब बहुत छोटे छोटे फैक्ट है, इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। तो नासा के जूनो मिशन के दौरान जेवियन इंफ्रारेड ऑरोरल मैटर स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा गैनीमिड के नजदीक उड़ान के दौरान ये पता चला कि वहां पे खनिज और कार्बनिक यौगिकों का भंडार है। इससे क्या होगा, वहां पे किस तरह का वहां का एटमोस्फेयर वगैरह है पता करने में वैज्ञानिकों को काफी सहूलियत होगी, ठीक है। आज बस इतना ही था पेपर में। अब ये बताइए कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने महिलाओं को पुलिस में 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की है? त्रिपुरा गवर्नमेंट, ठीक है। और जाति जनगणना कराने का निर्णय किस स्टेट के द्वारा लिया गया है? अभी आंध्र प्रदेश। ये जो डायल 112 है उसमें कौन कौन सी सेवाएं अब एक साथ आएंगी एकीकृत रूप में? अग्निशमन, एम्बुलेंस और पुलिस। हाँ बहुत बढ़िया। और ये फोर्थ कृषि रोड मैप के तहत जो पटवन है उसके लिए मुफ्त कनेक्शन दिया जाएगा, तो इसमें 4 साल में कितने किसानों को इस तरह का कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा? 79,000 किसानों को, 4,79,000, 86,000। ठीक है। और बिश्वान जो है, ठीक है, बिश्वान जो है इसके तहत बिश्वान 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कितने रुपए मतलब अलाउ किए गए हैं? 5,64,02,00,000 रुपए। और इसकी नोडल एजेंसी क्या है बिहार में बिश्वान के लिए? बेल्ट्रॉन, बेल्ट्रॉन। बेल्ट्रॉन। हाँ जी बहुत बढ़िया। और अभी 37th नेशनल गेम में बिहार द्वारा 7 पदक जीता गया है, तो बताइए कि मुजफ्फरपुर की वो कौन सी प्लेयर है और गोपालगंज के जिन्होंने वुशु में रजत कांस्य पदक जीता है? ईशा कुमारी, आशीष कुमार। हाँ हाँ ईशा मित्रा और आशीष कुमार। हाँ, ईशा मिश्रा, आशीष कुमार। हाँ, बहुत बढ़िया। और ये पटना के हैं जो ताइक्वांडो में कांस्य जीते हैं, उनका नाम बताइए, प्रकाश कुमार। 36वें नेशनल गेम में बिहार द्वारा कुल कितने पदक जीता गया थे? 2 पदक। 2 पदक, ठीक है। और ब्रिटेन में एक एआई पर एक सम्मेलन आयोजित हो रहा था, तो उसमें क्या डिसाइड किया गया है, क्या बनाया जाएगा एआई से संबंधित? एआई सुरक्षा संस्थान का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, जो G7 कंट्री जो है उनका ये पहला टास्क फोर्स होगा। और खाद्य प्रसंस्करण में पिछले 9 वर्षों में कितने एफडीआई प्राप्त हुए हैं? 50,000 करोड़। 50,000 करोड़। हाँ, और ये जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निर्यात जो है वो लगभग कितना प्रतिशत बढ़ा है पिछले 9 साल में? 150। 150, 150, 150, वही तो 300। हाँ, वही। और ये जो वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन कहाँ हो रहा था अभी? हाँ दिल्ली में, और वो कौन सा है? हाँ भारत मंडपम, ठीक है। तो इसमें एक सुपर फूड बकेट का दर्जा दिया गया है किसी अन्य को, उसका नाम बताइए। बाजीराव, बाजीराव। बाजीरा। हाँ, और भोजपुर के एक प्लेयर हैं जिन्होंने ढाका में साउथ एशियन सैम्बो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, उनका नाम बताइए। मोनू कुमार यादव। यादव। हाँ, ये किस भार वर्ग में ये पदक प्राप्त किए हैं? 79 किलोग्राम भार वर्ग। हाँ बहुत बढ़िया। गुजरात के वो कौन से प्लेयर हैं जो 3,000 मीटर स्टीपल चेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं? सुनील जूनियर जोंजियाल, जीना जीना भाई। भाई, जीना भाई। हाँ सुनील बहुत जोंजियाल, बढ़िया। जीना भाई। हाँ, इन्होंने कितने कितना समय लिया, ठीक है,
8 मिनट 30.15 सेकंड। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए ये WMO द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट जारी किया गया है, उस रिपोर्ट का नाम बताइए, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट। ठीक है, इसके तहत जितने सारे अभी आपको बताया गया है पॉइंट, ये याद रखिएगा, ये पीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेन के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा मेन में अगर आप लिखते हैं तो। ठीक है, इसमें बताया गया है कि गर्मी के वजह से जो वर्तमान मृत्यु दर है वो कितना हो जाएगा, 30 गुना अधिक, 30 गुना अधिक हो जाएगा ये। ठीक है, ये तो आप बता रहे हैं 4.89 जो बता रहे हैं वो गर्मी के कारण मृत्यु हुई है 2000 से 2019 के बीच, जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जब भी जलवायु परिवर्तन का आप डाटा देंगे, क्वेश्चन लिखेंगे तो ये डाटा देंगे तो काफी इफेक्टिव होगा वहां पे। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक जो अध्ययन प्रकाशित हुआ है तो उसमें बताया गया है कि 2050 तक जूनोटिक संक्रमण के मामले में कितना ज्यादा मतलब वृद्धि होगा और उससे मृत्यु दर में कितना ज्यादा वृद्धि होगा, ये बताइए। जूनोटिक संक्रमण से जो रोग होंगे उसमें 4 गुना और मृत्यु में 12 गुना की बढ़ोतरी होगी। हाँ जी, और इसमें 4 टाइप के वायरस का जिक्र किया गया है, कौन कौन से हैं बोलो? फिलो वायरस है, सार्स कोरोना वायरस और माचुपो। ये फिलो वायरस में कौन कौन से वायरस को रखा गया है? इबोला और एक और मारवर्ग। मारवर्ग, हाँ, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये पूछेगा ही लगता है। जूनो मिशन किसके लिए भेजा गया था? बृहस्पति, बृहस्पति के लिए। हाँ, यहाँ बृहस्पति की सबसे बड़ी उपग्रह जहाँ पे अभी कार्बनिक यौगिक और खनिज मिला है, क्या? ज्ञानीमेड। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है,